पुलिस मित्र टीम ने पुष्कर में 3 छात्रों का नाग पहाड़ से किया रेस्क्यू, पहुंचाया सुरक्षित रूप से परिजनों तक। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड 19 के मुश्किल दौर में बीए बीएड बीएससी बीएड बीए एलएलबी बीपीटी बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट, साथ ही एससी एसटी कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। पुलिस मित्र टीम पुष्कर लगातार सामाजिक सरोकार के कार्य करते हुए आमजन सहित जानवरों तक अपने निशुल्क और निस्वार्थ सेवा कार्यों के कारण बेहद लोकप्रिय हो चुकी है। टीम के जाबाज रेस्क्यूअर्स द्वारा लगातार बेजुबान जानवरों को जीवन बचाने के साथ साथ आमजन को भी सुरक्षित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर पुलिस मित्र टीम पुष्कर के इंचार्ज अमित भट्ट को फोन पर सूचना मिली कि नाग पहाड़ी पर 3 लड़के जिनकी उम्र लगभग 18 से 21 वर्ष है घूमने गए थे और घूमने के दौरान रास्ता भटक जाने की वजह से गुम हो गए हैं। फोन पर प्राप्त सूचना के आधार पर थाना अधिकारी राजेश मीणा से निर्देश प्राप्त कर पुलिस मित्र टीम के रेस्क्यूअर्स तुरंत पुष्कर घाटी स्थित सांझी छत पहुंचे। परिजनों द्वारा उपलब्ध कराए गए फोन नंबर के आधार पर छात्रों से बातचीत की गई। फोन पर बातचीत में तीनों छात्र बेहद डरे हुए थे, वे बेहद प्यासे भी थे, जिन्हें पुलिस मित्र टीम द्वारा विश्वास दिलाया गया कि उन्हें जल्द ही रेस्क्यू करके सुरक्षित रूप से उनके परिजनों तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके साथ ही टीम इंचार्ज अमित भट्ट ने उन्हें बताया कि वे अपने आसपास पगडंडी ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि पहाड़ी रास्ते पर एकमात्र पगडंडी के द्वारा ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। पुलिस मित्र टीम के रेस्क्यूअर्स इंचार्ज अमित भट्ट के साथ अजय नाथ और मुकेश सैन ने तुरंत पहाड़ी पर चढ़ाई प्रारंभ की और उनका सर्च अभियान किया। करीब 1 घंटे तक सर्च ऑपरेशन करने के बाद उन्हें सुरक्षित रूप से नौसर की ओर से उतार लिया गया। छात्रों के नाम पीयूष सिंघल, यश आचार्य और नमन माथुर हैं। इसके पश्चात तीनों छात्रों ने पुलिस मित्र टीम का आभार प्रकट किया। मौके पर मौजूद नौसर ग्राम के आमजन ने भी पुलिस मित्र टीम के कार्यों की खूब प्रशंसा की। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय बीटीयू बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशन ओपन बीटेक एमटेक पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर एससी एसटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल हस्बैंड स्कूल कैंपस अजमेर। जी भैया बताएं क्या हुआ। मेरा नाम पीयूष सिंघल है। मैं जैसे पुष्कर घाटी से जाते वक्त जहाँ पर शास्त्री नगर पे एक गाड़ी रखने का स्टैंड आता है, हमने गाड़ी उधर रखी और हम ट्रैकिंग के लिए ऊपर गए और उधर हम ऊपर चढ़ गए आसानी से, पर हम उधर से रास्ता भटक गए और उसमें लेफ्ट लेफ्ट दाएं दाएं आते जाते हम गुम गए और हमें कम से कम 2 घंटे लग गए उतरने में। पुष्कर रेस्क्यू टीम ने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया। हम 2 घंटे जितने भी हम घूम गए थे, इन्होंने हमें फ़ोन करके सारा रास्ता जैसे करना है वैसे बताया और बहुत सहयोग किया इन्होंने। जी आपका नाम? पीयूष सिंघल। कहाँ के रहने वाले भैया? मैं अजमेर का। और आप पढ़ाई वढ़ाई कुछ कर रहे हैं या? मैं बीटेक कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में, नोएडा में MIT यूनिवर्सिटी में। जी आज फ़ोन पर सूचना प्राप्त हुई थी कि जो पुष्कर की नाग पहाड़ी है वहाँ 3 युवक जो है जो पहाड़ी पर घूमने गए थे वो रास्ता भटक गए हैं और कहीं खो गए हैं और तीनों काफ़ी परेशान हैं और उनके परिजनों द्वारा फ़ोन आने पर पुलिस मित्र टीम थानाधिकारी श्री राजेश मीणा जी से आदेश प्राप्त करके तुरंत पुष्कर घाटी सांझी छत पहुँचे, वह उनसे फ़ोन पर बात करके और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया। करीब 1 घंटे के अथक प्रयासों के बाद में वह फ़ोन पर वार्ता के 2 या 3 बार वार्ता होने से छात्रों को सहकुशल नौसर जो गांव है उस साइड में सुरक्षित रूप से उतारा गया। वह साथ ही उनके परिजनों को सूचना दे दी गई। अमित भट्ट इंचार्ज पुलिस मित्र टीम पुष्कर।